नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन होम DIY। ये इस साल का दूसरा वीडियो है और इस बार मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये लिया है कि मैं मेरे हर वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसी टिप दूंगी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर करेगी। तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो है दांतों में झंझनाहट के बारे में। ट्रीटमेंट में कितने दिन लगेंगे? 3 से 4 दिन। कितना सेफ़ है? 100% सेफ़ है। कॉस्टिंग क्या पड़ेगी? 3 से 4 रुपये। कौन यूज़ कर सकता है? कोई भी यूज़ कर सकता है और किसी भी एज में यूज़ कर सकता है। कितने दिनों बाद रिपीट करना होगा? अगर ज़रूरत पड़े तो 6 महीने बाद आपको रिपीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? कुछ सावधानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर बीमारी हो तो क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे मुँह का छाला है या पायरिया? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट किसने करी थी? इसकी रिक्वेस्ट करी थी शालिनी मेश जी ने। और अगर आपके भी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट है तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोज डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। ये मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये फिट करी जादुई चीज़ है, आयुर्वेदिक है, बिल्कुल केमिकल नहीं है, लेकिन कमाल की है। आप सिर्फ 250 ग्राम फिट करी खरीद के रखिए और पूरे साल भर इस फिट करी से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, मैं कुछ समय के गैप पे आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। पहला जो वीडियो डाला है उसमें जो फुट क्रीम है उसमें मैंने फिट करी का यूज़ किया है और उसमें मैंने यूज़ करी है गुलाबी फिट करी। बस करना क्या है कि इतनी चुटकी सी जो फिट करी जो भी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आपके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी, आप कहेंगे मजाक है, जी नहीं, आप एक ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके कमेंट कीजिएगा। किस एज में यूज़ कर सकते हैं? किसी भी एज में, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। बीमारी में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। छालों में यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ। मुंह का अल्सर है या आपको दांत गिर रहे हैं या आपके दांतों में सड़न, कीड़े, कुछ भी हो गया तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बस इतनी सी ही यूज़ करनी है। तो चलिए देख लेते हैं आसान सा इस ट्रीटमेंट का तरीका क्या है। आपके पास चाहे गुलाबी या सफ़ेद कोई भी फिटकरी हो काम में देगी। और आपको करना क्या है, बस 1 इंच के आसपास ही इतना छोटा जो टुकड़ा है इसे मिक्सी के जार में थोड़ा मोटा तोड़ के डाल लीजिए और उसे पाउडर बना लीजिए। इससे ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट के लिए आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये इतना जो फिटकरी है ये मेरे अनुमान में शायद 2 या 3 रुपये आपको कॉस्ट करती है। तो बहुत महंगे जो आप माउथ वॉश करते हैं जो आपके मुंह में जाके आपको जलन ही देते हैं और बहुत सारे केमिकल्स उसमें होते हैं, प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। डेली एक माइल्ड एसिड पीने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब 1/2 चम्मच से भी कम मैंने ले ली है फिटकरी पाउडर को और उसे एक छोटे से कप के अंदर आप निकाल लें। आप रूम टेम्परेचर पे पानी डाल लीजिए, थोड़ा ही डालें जितने में आप जो हैं गरारे कर सकें। और अगर किसी वजह से ये जो पानी है फिटकरी का आप निगल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब ये आपको नुकसान नहीं देगा। पर अगर आपके मुँह में पायरिया की समस्या है, छाले हैं, तो उसके साथ जो उनका पस होता है वो पेट में जाता है तो अवॉइड करें, उसे आप थूक दीजिएगा। बस इसे आपको गार्गल करने हैं, 1/2 मिनट के आसपास आप मुंह में रखें और फिर उसे उसके बाद में थूक दें। पहले दिन से आपको दांतों में झंझनाहट कम महसूस होने लगेगी और मुंह की बदबू आपको कम लगेगी। 3 दिन कीजिए, सुबह शाम दोनों समय। मैंने जैसे बताया कोई भी एज में से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इसके बाद आपको चाय कॉफ़ी पीने की आदत थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि दरअसल फिटकरी ऐसा करती क्या है जिससे दांतों की झंझनाहट ठीक हो जाती है। दरअसल जो दांतों का एनामल है वो किसी वजह से कमज़ोर हो जाता है और जब भी हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो दांतों की सतह पर लगता है। फिटकरी में ऐसे गुण हैं जो आपके कैल्शियम को रिपेयर करते हैं, यानी दांतों को रिपेयर करता है और साथ ही जो दांतों के अंदर से नस जा रहे हैं उनको भी रिपेयर करता है और इस वजह से आपके दांतों की झंझनाहट ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट और है कि यदि आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इस तरह से जब आप गार्गल स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो है चाय कॉफ़ी की आदत थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आप इसे डेली एज अ माउथ वॉश यूज़ कर सकें तो अवॉइड करें, नहीं तो आपके जो गम्स हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो सकते हैं। अब जाते जाते आज की टिप, यदि नहाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का कारण
हो सकता है। आप अपना बीपी ज़रूर नपवाइएगा, और फिर अगर किसी वजह से ईश्वर ना करे बीपी है तो गिलोय का सेवन प्रारंभ कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे, स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूंगी नए वीडियोस के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।